मैं डॉक्टर कुमार केसर, स्पेशलिस्ट इन ऑर्थोपेडिक्स प्रेजेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, कोई एक्सीडेंट में हो जाता है या कभी गिर जाता है, कोई फ्रैक्चर हो रहा है या मोच आ गया है, हड्डी टूट गई है, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो जब भी ऐसा चोट लगे या एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को घबराना नहीं चाहिए, जो होना था वो हो चुका, अब क्या कर सकते हैं? So, what to do in a situation of a fracture or a ligament or a soft tissue injury, right? So, पहला चीज जैसे मैंने बताया घबराएं, और आपके आसपास क्या चीज है, उस चीज को रिसोर्स को यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, वो चीज हमें देखना चाहिए। लाइक अगर आप घर पे हैं और सीढ़ी से गिर गए, तो आप भाई ऐसा नहीं है कि भाई हड्डी टूट गई है तो खुद ही सीधा करने लगे, भाई उसको पहले आप घर में है तो आइस पैक करना शुरू करें। आइस पैक घर पे होता ही अवेलेबल होता है, गर्म पट्टी आप बांध सकते हैं, है ना, उस पर गर्म पानी की सिकाई, ऐसा नहीं है कि गर्म पानी का आप सिकाई करना शुरू करें। घर पे अगर आपके पास कोई ओटीसी ड्रग्स जैसे होते हैं दर्द के लिए है, डाइक्लोफेनाक हो गया या कुछ भी जो पेन किलर आप साथ में ले सकते हैं गैस के गोली के साथ, तो वो आपका इमीडिएट पेन रिलीफ करना होगा, और आइस पैक करें। और उसके बाद अब आप किसी भी जो प्रोफेशनल मेडिकल सर्विस है, जो आप कंसर्न डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, वो बेटर रहता है। तो ये है कि आप जो घर में अगर कुछ एक्सीडेंट हो रहा है या गिर रहे हैं, अगर ये चीज़ रिलेट, सपोज आप ट्रैफिक आज के इतना ज़्यादा हो गया है कि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, हमारे पास ऐसे डाटा है कि ऑलमोस्ट 10% ऑफ द बाइक राइडर्स एंड द जो है किसी को चोट लग गया है तो आप नेग्लेक्ट ना करें, उसको आप हेल्प करें, और खुद अगर इंजर्ड है तो सीख करें कि भाई आपके पास कोई आपको हेल्प करने के लिए आया। लाइक आप वो कर सकते हैं, नहीं तो एम्बुलेंस के लिए 102 पे कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए क्या करें भाई, आपके पास जो चीज़ है उसको भाई इमोबिलाइज रखें, ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं है। अगर आसपास कोई लकड़ी का फट्टा है तो उसको आप ऐसे उसको ब्रेस के लिए या जो उसको सपोर्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं, और मीनवाइल एम्बुलेंस को आप कॉल करें सो दैट कि आपको नियरेस्ट जो हॉस्पिटल फैसिलिटी है या ट्रॉमा सेंटर आपको वो ले जा सकते हैं। आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, सेल्फ मेडिकेट ना करें। कई लोग होते हैं कि भाई नहीं, चलो भाई हम सेल्फ मेडिकेट कर लेते हैं, आधा चीज तो हम ऐसे ही ठीक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और ट्राई करें कि भाई क्वैक के पास भी ना जाएं, क्योंकि दे प्रॉमिस कि हम तो ठीक कर देंगे, बट दे अल्टीमेटली लैंड्स अप विद लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन कहीं भी हो सकता है, बट नोइंगली एंड नोइंगली यू शुड अवॉइड टू डू इंडल्ज इन दैट टाइप ऑफ सिचुएशन। वो ना हो उसके लिए है कि भाई अगर आपने ट्रीटमेंट ले लिया है तो ये नहीं है कि खुद ही ट्रीट करना शुरू कर दिए। लाइक सपोज अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आपको ऑपरेशन चाहिए, तो ऑपरेशन के लिए आप कंसल्ट करके फिर आप ऑपरेशन के लिए प्रोसीड करें। प्लास्टर लगा है तो ये नहीं कि आप प्लास्टर पहले से ही खोल के रखें, तो टाइम ड्यूरेशन जो है, जैसे कोई भी हड्डी टूटती है तो उसको 4 से 6 हफ्ते का जो है उसको जोड़ने का टाइम लगता है, तो वो चीज़ है कि 4 से 6 हफ्ते का प्लास्टर आप ले, या अगर ऑपरेशन के लिए अवॉइड एडवाइस किया जा रहा है तो ऑपरेशन के लिए आप जा सकते हैं। तो अगर हम उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाए तो अगर वो देखें कि हमें क्या क्या करना चाहिए, भाई आप मेडिकल अटेंशन लो, है ना, अफेक्टेड एरिया को तुरंत में हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, लाइक आइस पैक हो गया या दर्द का जेल हो गया, आप वो लगा सकते हैं, गर्म पट्टी बांध सकते हैं, तो कोई कपड़े से सपोर्ट है, ये ना करें कि आप खुद ही से उसको बैठाने लग गए, है ना, जो आपको डॉक्टर बता रहा है उस ट्रीटमेंट को आप फॉलो करो। क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो उस पर वजन ना डालो, आप प्लास्टर लगा दिया बट उस पर वजन डाल रहे हो, वजन डाल के चलना शुरू कर दे रहे हो, ये मत करो, है ना। अगर मान लो कुछ प्लास्टर लग गया है बट कॉम्प्लिकेशन हो रही है, जैसे सूजन हो रहा है, नीला पीला पड़ रहा है, तो उसको इग्नोर ना करें, फीवर हो रहा है, इन्फेक्शन हो सकता है, तो उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना, तो डेंजर साइन जो एक्सप्लेन किए जाते हैं उसको आपको माइंड में रखना है। और ये सब चीज़ को अगर आप जानते हैं, समझ पाते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं, तो आई होप कि स्पीडी रिकवरी होगा आपका, और ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले उसकी चीज़ के अगले टॉपिक के लिए, थैंक यू।